हरियाणा में जीत की ओर बीजेपी, रुझानों में बीजेपी को 50 तो कांग्रेस को 35 सीटें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वडोली और कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में मनाया जीत का जश्न। हरियाणा नतीजों पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कहा हरियाणा के लोगों का करता हूं धन्यवाद, सीएम मोदी की नीतियों पर हरियाणा की जनता ने लगाई मोहर। हरियाणा के रुझानों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कहा कांग्रेस को मिल रहा बहुमत लेकिन नहीं किया जा रहा अपडेट, कई सीटों पर कांग्रेस चल रही आगे। नमस्कार, सूबे की सरकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में वोटों की गिनती जारी है, उसके बाद जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न भी मन में लगा है। प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने बांटी है मिठाई। नायब सिंह सैनी ने पीएम को दिया है जीत का श्रेय। पीएम मोदी की नीतियों पर जनता की मुहर लगी है, सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है। कार्यवाहक सीएम है जो अभी हरियाणा की जनता का आभार जताते हुए भी नजर आए हैं। तो अभी तक के रुझानों में जीत की ओर स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी जाती दिख रही है और अगर यही थोड़ी देर में परिणामों में तब्दील होते हैं तो तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनने पर सफलता हासिल कर लेगी। तो ये बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी के दफ्तरों में जीत का जश्न भी अभी से मनना शुरू हो गया है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल वडोली, उनको मिठाई खिलाई जा रही है, कार्यकर्ता जो है उनको मिठाई खिला रहे हैं। तो एक तरीके से बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न भी मनने लगा है, मिठाइयां बांटी जा रही है और कार्यवाहक सीएम जो है अभी वर्तमान में हरियाणा के नायब सिंह सैनी, उन्होंने ये श्रेय जो है वो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी रीति नीतियों से हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, खुशियां मनाने की, जश्न की, मिठाइयां बांटने की। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वडोली को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ हैट्रिक लगाने की आशा में जो है रुझानों में भी दिख रही है बीजेपी और लगातार जीत की एक तरीके से खुशी मनाने में अब जुट चुकी है, क्योंकि अब कुछ ही घंटे, एक से दो घंटे में तो तस्वीरें बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी तक भी आपको बताएं तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि बीजेपी हैट्रिक लगाने को बस तैयार बैठी है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और लगातार जो है मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जीत की का जश्न एक तरीके से मनाया जा रहा है बीजेपी कार्यालय में। दूसरी तरफ बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि ऊपर से आरोप कांग्रेस कुछ लगा रही है, भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं रुझानों को लेकर कि कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है कई सीटों पर लेकिन अपडेट नहीं किया जा रहा है। हालांकि अब वो क्या कहना चाह रहे हैं ये किसकी स्पष्ट जानकारी तभी हो पाएगी जब स्पष्ट तरीके से नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन अभी तक की तस्वीरें देखिए, अभी तक के आंकड़े देखिए, रुझानों के आंकड़े क्या कह रहे हैं। मैं उसके लिए लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री बीसल के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है वो पूरे
धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना। तो नतीजे अब चंद घंटों बाद एक तरीके से कहें कि आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए, बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न अभी से मनाना शुरू हो गए हैं कार्यकर्ता। अगर यही थोड़ी देर बाद भी नतीजे बने रहते हैं, ये परिणाम तब में तब्दील हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से हैट्रिक जो है केंद्र के साथ साथ हरियाणा में भी बीजेपी लगाने वाली है। और चुनावी नतीजों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है, हमने कई सीटें जीती हैं लेकिन उन्हें अपडेट नहीं किया गया है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस कई सीटों पर आगे चल रही है लेकिन वो अभी तक अपडेट नहीं की गई है, कई जगहों पर मतगणना रोक दी गई है। टचिंग द मेजोरिटी, कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी, कांग्रेस को मेजोरिटी मिल रही है। डेटा पेश किया जा रहा है, बहुत सारी सीटें हैं जो हम जीत चुके हैं और अपडेट नहीं की, जैसे चट्टा साहब है, शैली है, रामगण है, अशोक अरोड़ा है, ऐसे कई सीटें हैं जो हमारे खबर में हैं, जैसे आदमपुर में भी हम लीड कर रहे हैं, गद्दर में भी लीड कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जैसे रोहतक में लीड में जा रहे हैं, तो ये अपडेट नहीं हो रहा है बेटा इलेक्शन कमीशन में और कई जगह काउंटिंग रिपोर्ट की गई है। तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों से निवेदन है कि आपने कटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। तो जहां एक तरफ बीजेपी हैट्रिक की ओर बढ़ती दिख रही है रुझानों के हिसाब से, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अभी आत्मविश्वास खोने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कई सीटों पर डेटा अपडेट ही नहीं किया गया है। अभी किस तरीके से नहीं किया गया इस पर भी हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा देती हूं। अनुसूरा जी प्रवक्ता इनेलो के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दीपक गहलोत जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से हमारे साथ देवेंद्र रंगा जी जुड़ रहे हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में विजेंद्र नेहरा जी भी प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देवेंद्र जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। देवेंद्र जी देखिए, अभी तक के रुझान एक तरीके से स्पष्ट बता रहे हैं कि बीजेपी फिर आने वाली है, लेकिन हुड्डा साहब कह रहे हैं कि अपडेट नहीं किया जा रहा है डाटा। क्या ये आप उम्मीद रख रहे हैं अभी भी कि कुछ ऐसा हो जाए, डेटा पलट जाए, या फिर क्या है? बिल्कुल, अंतिम समय तक तो उम्मीद रखना कोई बुरी बात नहीं है ज्योति जी, हम अंतिम समय तक लड़ेंगे। और जहां तक हमारे नेताजी ने डॉक्टर ने जो बात कही है बिल्कुल दुरुस्त है, और आपने देखा होगा कि आज पूरा दिन काउंटिंग कैसे चल रही है, कितनी कितनी देर के बाद अपडेट हुआ, कुछ तो अपडेट हुआ ही नहीं। इलेक्शन कमीशन जो है उसकी कार्यशैली है बिल्कुल प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर लगा हुआ है, और अंतिम समय तक जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते हमें उम्मीद है। और जहां तक अब तक जो रिजल्ट आया है इसमें जो भारतीय जनता पार्टी को जो लीड मिली है, चलो इसके लिए हमें मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जहां तक बात लास्ट समय तक लड़ने की है, जब तक एक एक सीट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता ऑफिशियली, कांग्रेस को अपार उम्मीदें। तो किस तरीके का प्रश्न चिन्ह आप कह रहे हैं? आप देखो ना, आपने देखा हुआ काउंटिंग कैसे चली है। जब हमारे सीनियर नेता जयराम रमेश जी ने जो बोला कि भाई इलेक्शन डीसी डिप्टी कमिश्नर जो है वो अपडेट नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं कर रहे, किसके दबाव में नहीं कर रहे थे, क्या दिक्कत थी उनको? कई जगह तो 10-10 राउंड की काउंटिंग हो गई, कई जगह 2 राउंड की भी काउंटिंग नहीं हुई थी, इसलिए अभी सब कुछ चल रहा है और देखते हैं क्या होता है। हमारे कार्यकर्ता है, हमारे जो नेता लगे हुए। चलिए ठीक है, विजेंद्र नेहरा जी भी इस बीच हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कार्यप्रणाली पर, किसके दबाव में नहीं, इनडायरेक्टली वो निशाना तो बीजेपी पर ही साधना चाह रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे आप कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस पार्टी हारने के बाद बहाने बनाती है, अभी तो बेचारी ईवीएम थोड़ा सा बची हुई है,
नहीं तो अब थोड़ी देर में ईवीएम को भी दोष देना शुरू करेंगे। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो हार को पचाना नहीं जानते, ये विपक्ष की भूमिका भी ठीक तरह से निभाना भी नहीं जानते। अब हरियाणा की जनता इनको विपक्ष की भूमिका में बिठा के विपक्ष की भूमिका निभाना सिखाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हरियाणा ही नहीं तमाम देश के अंदर हर राज्य के अंदर एक एक करके चुनाव हारती जा रही है। उसके पीछे कारण यही है कि ये बहानेबाज लोग हैं, बहाना बनाते हैं हारने के बाद। जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है, धो दिया है, और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार हम बनाएंगे जनता के आशीर्वाद से। ये रिकॉर्ड है हरियाणा के अंदर, इतिहास बनाया है आज भारतीय जनता पार्टी ने। कभी हर 5 साल के अंदर सरकार बदलने का ट्रेंड इस हरियाणा के अंदर हुआ करता था, यहां दूसरी बार सरकार बनाई और अब तीसरी बार सरकार बनाई। 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी आई थी ज्योति मैडम, तो हम पहले ऐसी गैर कांग्रेसी सरकार बन के आए थे जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार हमने बनाई थी। उसके बाद 2019 और अब 2024 में देखिए, एक इतिहास और भी है कांग्रेस पार्टी का, बहुत काला इतिहास है कि जिस राज्य से कांग्रेस पार्टी 2 बार से ज्यादा सत्ता में चली जाती है, फिर दोबारा जीवन में कभी उस राज्य में आती नहीं है। इनका सफाया सूफा साफ हो जाता है, चाहे गुजरात के अंदर इनका दबदबा था, वहां 7 बार लगातार ये हारे हैं, मध्य प्रदेश में हारे हैं, बिहार में, बंगाल में, पंजाब में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और हरियाणा के अंदर अब ये लगातार 3री बार हारे हैं। हार की हैट्रिक कांग्रेस पार्टी ने लगाई है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का भी एक रिकॉर्ड है कि जिस राज्य में हम जीतते हैं अंगद का पांव उड़ा देते हैं, लगातार वहां जीतते चले जाते हैं, चाहे वो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, जहां हमने गुजरात में 7 बार, मध्य प्रदेश में 5 बार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 3-3 बार और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी 3री बार सरकार बनाई है। इनके यहां तो आपस में ना तो 15 साल से कोई इनका संगठन है, इनके नेताओं में बिना सरकार के भी मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही थी। बताइए, सरकार का लेना एक ना देना दो, विपक्ष में बैठे बैठे मुख्यमंत्री के सपने देख के सोते थे और सुबह आते थे तो कुछ दिखाई नहीं देता था। इनका मुख्यमंत्री का झगड़ा भी आज हमने हमेशा के लिए समाप्त करा दिया है। अब ये कभी जीवन में मुख्यमंत्री के लिए झगड़ा नहीं करेंगे कुर्सी के लिए, क्योंकि इनको पता है कभी मुख्यमंत्री का नंबर इनका पड़ने वाला नहीं है। तो इनके झगड़े का समाधान ये तो नहीं कर पाए, हरियाणा की जागरूक जनता ने और हमने इनके झगड़े का भी समाधान कर दिया है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उसके ऊपर जनता ने मोहर लगाने का काम किया, और इनके नेताओं ने जो चुनाव के दौरान बयान दिए, चाहे शमशेर सिंह गोगी ने ये कहा हो कि सरकार में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले अपना पेट भरेंगे, उसके बाद अपने रिश्तेदारों का पेट भरेंगे, उसके बाद अपने परिवार का पेट भरेंगे, तो खुलेआम उन्होंने ये कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे। सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो जनता ने उसको नकार दिया। जनता नहीं चाहती हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार हो, ईमानदारी से जो नीतियां योजना बना के काम हो रहा है उससे जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। इनके नीरज शर्मा ने एनआईटी से जो विधायक है उन्होंने खुलेआम कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो मेरिट की नौकरी का सिस्टम कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चाहते थे पर्ची खर्ची शुरू हो जाए और 50 वोट के ऊपर हम एक नौकरी बेचने का काम करेंगे। तो जनता ने इनको नकार दिया। जनता चाहती है ईमानदारी से नौकरी मिले, जनता चाहती है भ्रष्टाचार ना हो हरियाणा प्रदेश के अंदर। इनके एक फरीदाबाद से इनके प्रत्याशी थे लखन सिंगला, उन्होंने जनता को धमकाते हुए कहा कि चुप बैठ जाइए नहीं तो पेंशन कटवा दूंगा, और कांग्रेस सरकार आ रही है इसलिए मतलब सरकार में आने से पहले लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। हम पेंशन बनवा रहे हैं लोगों की, ये पेंशन कटवाने के लिए धमकी उनको दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। जनता ने ये चुना है कि कौन सही मायने में उनके लिए काम कर सकता है और किसने काम किया है। आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने उनको 2 महीने से भी कम समय मिला, और उस 2 महीने से कम समय में उन्होंने 2020 मैच की तरह, जैसे बल्लेबाज आता है बैटिंग करने के लिए 2020 मैच में और आती चौके छक्के लगाने शुरू कर देता है, इस तरह से उन्होंने छक्के लगाए और कांग्रेस पार्टी के छक्के छुड़ा दिए हैं। अब तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और जिस तरह से कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने, कंप्लीट कर रहा हूं, किस तरह से कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने लगभग 25,000 बेरोजगार युवाओं को ईमानदारी से नौकरी देने से जो रोका हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शपथ बाद में लूंगा, पहले उनको नौकरी की गारंटी, उनको नौकरी की ज्वाइनिंग देना हम शुरू करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी, अब देखिए, कभी कह रहे हैं कि रिजल्ट देर से अपडेट हो रहा है। अरे भैया, भले ही देर से हो रहा हो, चुनाव आयोग के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, हो तो रहा है, आप हार रहे हैं, आपकी जमानत जब्त हो रही है, आपकी बुरी दशा हो रही है, तो उसको तो स्वीकार कर लीजिए। अगर देरी से हो रहा है या पहले हो रहा, बढ़िया है, आपकी बेइज्जती थोड़ा लेट हो रही है। उम्मीद रखेंगे हम, कह रहे हैं क्या आखिरी समय तक लड़ेंगे, कोई मुकाबले में नहीं है, ये कहाँ लड़ेंगे मुकाबले में, कहीं है ही नहीं मुकाबले में, बताइए कहाँ मुकाबले में, कहाँ 50 सीटर, कहाँ 36 सीटर, कहाँ मुकाबला, बताइए मुझे आप।
ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर इनकी हालत खराब हो रही है। इनके नेताओं ने दलितों का अपमान करते हैं, अशोक तंवर का सर फोड़ दिया, कुमारी सैलजा जी को संसद नहीं बनाने दिया, आज दलितों ने इनको सबक सिखाने का काम किया है। जिस तरह से अभी अशोक तंवर को दोबारा से वेला फसला के इन्होंने लिया, आप मुझे बताइए दलितों का अपमान इन्होंने किया, ओबीसी का अपमान इन्होंने किया, और ये जो इनके उदाहरण थे प्रदेश अध्यक्ष, खुद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो बड़बोले थे, जो बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, उनको धूल चटा दिया औरंग की जनता ने, इनके प्रदेश अध्यक्ष को भी धूल चटाई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता ने इनके प्रदेश अध्यक्ष को हराने का काम किया है, और ये वही प्रदेश अध्यक्ष है जो जाति का जहर घोलने का काम करता था। इस प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया था, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का अपमान करते हुए बयान दिया था कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाल किसी काम की नहीं होती। आज होडल जो विधानसभा है वो जाट मोहल्ले क्षेत्र है, वहां के जाटों ने इनको झूल चढ़ाने का काम किया है, जिन जाटों की गारंटी और ठेकेदारी लेके बन रहे थे। हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम सबको साथ और सबका साथ सबके विकास पे काम करते हैं, 36 बरादरियों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन उदय भाजपा जो काम किया था उसको लेकर उन्होंने सबक सिखाया है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, छोटा सा जवाब देवेंद्र जी आप देना चाहेंगे, मैं आगे बढ़ूं, आप छोटा सा जवाब दे देंगे फिर मैं आगे बढ़ती हूं। सीएम चरण साहब ने क्या कहा था कि हम हर तरीके से, हर लिहाज से, हर तरीका अपनाएंगे जीत प्राप्त करने के लिए, ये क्या प्रकट करता है ये बात? अभी दो दिन पहले की बात है सर, एक दो दिन पहले की बात है, सीएम साहब ने क्या कहा था बताओ आप। और दूसरी बात की जातिवाद की बात, जाति प्रथा सबसे पहले, तो जाति का जो जहर घोल रहा काम करती है भारतीय जनता पार्टी करती है, जिस तरीके से आप टिकट बांटती है, जिस तरीके से आप बयान देते हैं, आप मुख्यमंत्री को दाया अनिल विज जी क्या कह रहे थे कि सीएम मैं बनूंगा, अमित शाह जी ने क्या कहा, अभी मैंने कहां गए जो सीएम के दावेदार थे, रामविलास शर्मा जिसको कहते हैं कि पार्टी खड़ी की भारतीय जनता पार्टी, वो कहां है आजकल, इनका जवाब देंगे आप? और जहां तक बात आप कह रहे हो इसकी, ये जो आपने बताया कि रोजगार 37% की दर से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश के अंदर है सर, 37%, और कौन सा रोजगार देने का काम किया आपने बताओ आप ये बोल के आए थे कि हम 2 लाख रोजगार देंगे, तो 2 लाख रोजगार के हिसाब से तो अब तक तो 5 लाख रोजगार आपने दे देने चाहिए थे, क्या क्या 10 साल आपने, ठीक है समय है आप चलो, अभी जो हमारी भी कुछ कमियां रही होंगी, मैं ये नहीं करेगा कांग्रेस पार्टी की कोई कमियां नहीं रही होंगी, इसीलिए हमारा जो रिजल्ट है जो दिख रहा है रुझान के साथ, अपेक्षा कर हमारे आशानुरूप नहीं दिख रहा, लेकिन आप दूध के दिले हुए अपने आप को मानते हुए ऐसा कुछ नहीं है। सीएम चैनल ने खुद कहा था कि हमें चाहे कोई तरीका अपनाना पड़े, अच्छा हम सरकार हमें लेके आएंगे, चाहे हमें प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग करना पड़े, ट्रेंड में हमें दिख रहा था कि हम जीत रहे हैं, तब हम बोल रहे थे उसको क्या गलत बोल रहे थे ज्योति जी, अगर ट्रेंड हमें दिखाएगा जीतता हुआ तो हम ये कहेंगे कि हम जीत रहे हैं, तो मैं ठीक बोल रहा था, अब ट्रेंड भाई साहब की फेवर में दिखा रहा था, ये बोल रहे हैं इनके अंदर, इनके अंदर जो दोष आ गया सुबह एक दोष साथ लग गया था, ये समय की बात है। अब जो है अब ठीक है, अब रवि अभी भेद बाकी है, अभी परिणाम बाकी है, हमारे नेता हमारे कार्यकर्ता लगे हुए देख रहे हैं, जांच प्रक्रिया इसमें कोई गुनाह है? अगर आप इलेक्शन लड़ते हो उस अंतिम समय तक इंतजार करते हो तो इसमें कौन सा गुनाह है? ज्योति जी मुझे बताओ, गुनाह कुछ नहीं है इसमें, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो है ये टॉन्ट मार रहे हैं ना कि भाई आप तो क्या इंतजार कर रहे हैं, राजनीति तरीके से रीति रिवाज ही कह रहे हैं, हमने इलेक्शन लड़ा है हम इंतजार कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल इंतजार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ूंगी, विजेंद्र जी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक एक रिएक्शन दोनों और मेहमान बचे उनसे ले लूं। अनु सूरा जी प्रवक्ता इनेलो के तौर पर हमारे साथ बनी हुई है। अनु जी देखिए, दावा सभी कर रहे थे लेकिन अभी तक के रुझान, अब तो लगभग इसको रिजल्ट ही कहिए क्योंकि 4-5 बजे का समय है और अब बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस इसमें होंगे नहीं, तो एक सीट आप जीत चुके हैं, पिछली बार भी एक सीट आपके खाते में थी, लेकिन क्या कहेंगी, कहां कमी रह गई, इसको मानेंगे या फिर आप भी कहेंगे कि अभी इंतजार करेंगे? और सभी प्रवक्ता भाइयों को और दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और मैं स्वीकार करती हूँ जनमत को और सबसे पहले भाजपा प्रवक्ता को शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करूंगी कि भाजपा इस बार अच्छी सरकार चलाएगी, जनता के लिए काम करेगी। उसके बाद मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल जो हरियाणा के अंदर हो रहा था, एक परसेप्शन हवाई बनाया जा रहा था कि कांग्रेस आ रही है भाजपा जा रही है, लेकिन
जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे थे उन्हें तो समझ में आ रही थी स्थितियां कि कांग्रेस के अंदर भी दो पार्टियां थी, एक कांग्रेस और एक भाजपा, बिल्कुल दो पार कांग्रेस थी और ये समझ में नहीं पाई शायद कांग्रेस। और दूसरा कारण मैं ये कहूंगी कि विपक्ष को जब भी एकजुट करने की बात हमारी तरफ से कही गई तो कांग्रेस ने अहंकार दिखाया, खासकर कांग्रेस कहना उचित नहीं होगा, खासकर हुड्डा साहब ने अहंकार दिखाया कि हम तो अकेले ही सक्षम हैं। इसी तरीके से इन्होंने तीसरी बार केंद्र में मोदी जी को शपथ दिलवाई और इसी तरीके से अब हरियाणा के अंदर आप देख रहे हैं कि तीसरी बार भाजपा सरकार बनने की ओर अग्रसर है। तो मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल ये मैं स्वीकार करती हूँ कि हमारे लिए भी नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे जितनी हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमने चलो एक नई सीट पे जीती भी है और बहुत सी सीटों पे हमारा प्रदर्शन बहुत सुधरा है, हमारा वोट बैंक काफी ऊपर गया है। और मैं ये कहूंगी कि अगर कांग्रेस को यही करना था तो मैदान छोड़ देती, हम लोग अच्छा रिजल्ट देके दिखाते कांग्रेस से कहीं बेहतर, क्योंकि कांग्रेस के मैं हमेशा ही कहते थे कि हुड्डा साहब अब कभी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये जिद उन्हें छोड़ देनी चाहिए। उनकी ये जिद पहले तो लोकसभा के अंदर माहौल ये था, मैं आपको बताती हूँ ज्योति जी, लोकसभा में परसेप्शन ये हरियाणा की जनता को मोदी जी की वजह निकालनी थी कि जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान दरबरता हुई थी, जन ने मूड बनाया था कि हम मोदी की रगत निकालेंगे और उन्होंने बिना मांगे नालायक से नालायक कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दिया जिसकी वजह से 5 दिन के लोकसभा के सांसद बने। लेकिन वो ही चीज अब रिवर्स हुई, किसान संगठन और मजदूर संगठन बहुत लोग गए कांग्रेस के पास कि इतने थोड़ा सोच समझ के दी जाए, लेकिन जिस तरीके से झिड़क के उनको भगाया गया, चाहे वो कोई सोशल लोग हैं चाहे कोई संगठन के लोग हैं, तो अब की बार हरियाणा की जनता ने ठान दिया था कि हम भाजपा से तंग तो हैं लेकिन हम हुड्डा साहब की रड़क निकालेंगे और उन्होंने निकाल दी। लेकिन अनुज जी आप जो बात कर रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन ये बताइए ना, कांग्रेस तो अपने पिछले प्रदर्शन के मुकाबले तो बेहतर ही है अभी तक, पिछली बार तो 30 सीटें 31 सीटें थी, इस बार तो 36-37 जा रही है, तो ये कैसे हुआ मतलब मैं समझी नहीं। और भाजपा को भी गलत मिली है, अगर यहाँ पर सही तरीके से हवा निकलती किसी की दिख रही है तो वो जननायक जनता पार्टी की है। आप तो मान लीजिए चलिए उतने में ही है, अभी वोट शेयर तो अंतिम आएगा तब पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो आप कह रही हैं बात उससे कांग्रेस को तो एक तरीके से बढ़त ही मिल रही है। नहीं, अगर इस बढ़त से संतुष्ट है कांग्रेस तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन हम तो ये चाहते थे कि सत्ता परिवर्तन हो हरियाणा के अंदर, लेकिन अगर वो इस बढ़त से संतुष्ट है तो मैं कहूंगी भगवान उनकी बढ़त इतनी रखे कि विपक्ष में बैठे रहे, अगर यही उनके उनके संतुष्टि का प्रमाण है। देखो हम संतुष्ट नहीं है, मैं तो बिल्कुल कहती हूँ कि हमारे लिए नतीजे निराशाजनक हैं, हम ज्यादा अच्छे रिजल्ट की उम्मीद लगाए बैठे थे और हम उसके लिए आगे 5 साल कोशिश करने के लिए तैयार हैं, मेहनत करेंगे और मंथन करेंगे कि कहाँ कमियां रही। तो अगर कांग्रेस उससे संतुष्ट है नतीजों से तो मैं कहूंगी इनको इसी लायक रखे भगवान। चलिए मतलब अब निशाना आपका कहीं ना कहीं सिर्फ कांग्रेस है, मैं जरूर लूंगी जवाब देवेंद्र जी आपसे भी और विजेंद्र जी आपसे भी। एक छोटा सा रिएक्शन पहले मैं दीपक जी से ले लूं, उसके बाद दोनों के पास मैं आऊंगी। दीपक जी, तीनों को आप सुन रहे हैं, क्या एनालिसिस करेंगे और अभी तक जो अब जो रुझान है वो एक तरीके से फाइनल ही माने जाए क्योंकि अब बहुत कुछ बदलेगा नहीं, थोड़ी देर में 1-2 घंटे बाद ये सारा परिणाम में ही तब्दील लगभग हो जाएगा, तो क्या कहेंगे, कौन कौन कहां कहां चल गया? लगभग ये सर्वविदित हो चुका है कि भाजपा तीसरी बार सरकार बना रही है और नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जनता की भाजपा की बिना भ्रष्टाचार वाली जो नीतियां रही और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया तो उसके ऊपर एक जनता ने मोहर लगाई है। कांग्रेस के बारे में अब मैं क्या कहूं कि कुछ महीने पहले 2-4 महीने पहले जिस इलेक्शन कमीशन को वो बधाइयां दे रहे थे, आज उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को वैसे समझ ले जाते मक्का मदीना करने के लिए मुसलमान जाते हैं तो वो एक शैतान की एक दीवार को पत्थर मारते हैं शैतान समझ के, तो उस दीवार को कभी चूम लेते हैं कभी उसे पत्थर मार देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, सब तो चलता रहेगा। कांग्रेस को अपने अंदर झाकने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कांग्रेस ने पिछले 10 सालों से संगठन नहीं रहा कांग्रेस के अंदर, हुड्डा साहब ने इस प्रकार की मनमानी चलाई कि शैलजा कुमारी के जितने भी कैंडिडेट्स थे उनकी जो लिस्ट उन्होंने उनको फाड़ के फेंक
का, उन्होंने जिस कैंडिडेट को भरी सभा में कहा था कि इसको चुनाव लड़वाएंगे उसकी टिकट उन्होंने काट दी, तो जिस प्रकार की मनमानियां करी हुड्डा साहब ने टिकट के वितरण में, उसी से स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस में मनमानी चल रही है। हाईकमान भी इससे ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि राहुल गांधी ने ज्यादा रैली की नहीं और उन्होंने शैलदे एक बार सबसे पहली रैली जो करी वो शैलदे के क्षेत्र में जाके करी। उसके अलावा फिर आई मुख्यमंत्री बनने के बाद हुड्डा साहब ने मीडिया के सामने खुद बोला कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और जब रैली में जितेंद्र हुड्डा जी जाते थे तो वहां से चाहे जस्सी पेटवाड़ जी हो चाहे वर्धन सिंह हो, तो वर्धन सिंह की में तो वर्धन यादव की रैली में तो उन्होंने कह दिया था कि जिस प्रकार से बीजेपी के साथ दुष्यंत था उसी प्रकार से मेरे साथ में वर्धन रहेगा, ये मैं मुख्य हूं, तो साफ स्पष्ट था कि वर्धन यादव उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और इसको मैं स्वयं मुख्यमंत्री बनूंगा। जस्सी पेटवाड़ जी की रैली में जस्सी पेटवाड़ जी ने स्वयं कहा कि भावी मुख्यमंत्री हरियाणा दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो इस प्रकार से जो चीजें चलती है तो ये कुछ ना कुछ वैसा ही था जिस प्रकार से इनेलो की रैली में दुष्यंत चौटाला के सीएम आए के नारे लगे थे, तो परिवार की चीजों को ही नहीं निपटा पाए। दूसरी और शैलजा कुमारी जी का जो अपमान कांग्रेस के नेताओं ने किया, कई अनेकों बार अपमान किया, तो उससे काफी बड़ा वर्ग हरियाणा का असंतुष्ट था, उन्होंने अपनी मोहर भाजपा के पक्ष में देने का काम किया और इस प्रकार से इनेलो को काफी कुछ देखने की जरूरत है, अपने अंदर देखने की जरूरत है। एलनाबाद उनका सबसे बड़ा दुर्ग कहा जाता था, वो आज टूट चुका है, धराशायी हो चुका है। वहां पे भरत बेनीवाल जी जो वहां पे जितने भी कैंडिडेट्स थे सबसे पैसे की भी क्षमता उनके पास नहीं थी, उसके पश्चात उन्होंने जीत अपनी दर्ज करी है, तो ये वो बशर्ते बिल्कुल ही धन्यवाद और बधाई के पात्र है। और भाजपा को भी काफी अधिक मैं अपने मन से बधाइयां देना चाहूंगा, जिस प्रकार से उन्होंने अपना संगठन का काम किया, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस रही, भाजपा ने नीचे नीचे अपना चुनाव संभाला। तो एंड के समय में जो रैलियां थी, जो प्रचार था, चाहे दिग्गज हो चाहे स्थानीय नेता हो, वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर लगता है आपको कि एक पिछले साल के मुकाबले, मतलब पिछले बार के चुनाव के मुकाबले एक अच्छा सरप्लस बीजेपी को दे जा रहा है? देखिए अंतिम समय का ज्योति जी मैं आपको बताऊं कि विश्लेषण पहले ही हो चुका था, हर राज्य में जनता थोड़ी सी समझदार हो चुकी है, जो व्यापारी वर्ग है और जो बाजार में बैठते हैं, तो एक काफी बड़ा वर्ग जो रहता है वो बिल्कुल साइलेंट रहता है, वो अंतिम समय में बोलना शुरू करता है कि मैं किसको वोट दूंगा, वो अपने वोट को अंतिम समय में जाके बिल्कुल उजागर करता है। तो वो पहले से दिख रहा था कि ये कुछ वर्ग ऐसे हैं जो सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे, तो ऐसा नहीं था कि अंतिम समय में ही कुछ चुनावी रैलियों का ज्यादा प्रभाव पड़ गया, वो पहले से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तो अगर जो ग्राउंड पे लोग गए तो उनको स्पष्ट अच्छे तरीके से नजर में आ रहा था कि ये सरकार को वोट करेंगे, और उसी से वो माहौल बदला नहीं, वो माहौल दिखना शुरू हो गया था। चलिए ठीक है, विजेंद्र जी कुछ आप कहना चाह रहे थे, एक बार अपना पक्ष रख दीजिए, उसके बाद फिर मैं देवेंद्र जी आपके पास आऊंगी। माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता का अभी लगभग रुझान में 50 सीटें दिख रही है, 50 सीटों का 1% बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाने के लिए मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ साथ हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी एक पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई हो, ये इतिहास हरियाणा की जनता ने बनाया है, और हरियाणा का इतिहास शुरू से ये रहा है कि देश में जिस पार्टी की सरकार रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर भी उसी पार्टी की सरकार बनती है, ये बात हम पहले से कहते आए थे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो इसको मानने को तैयार नहीं थे। जनता जनार्दन ने जनादेश दिया है कि कांग्रेस पार्टी को लंबे समय तक अभी विपक्ष में बैठ करके विपक्ष का जो काम है वो ठीक तरीके से सीखना चाहिए, और जनता ने इनको ये भी जनादेश दिया है कि विपक्ष में रहकर आपस में लड़ाई झगड़ा करने की बजाय बैठे बैठे शेख चिल्ली की तरह दिल में मुख्यमंत्री के सपने देखने की बजाय सही तरह से जनता के मुद्दों को उठाओ और विपक्ष की भूमिका को निभाओ, ये इनको कहा गया है। देखिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को मुझे लगता पहले से आभास था कि कांग्रेस पार्टी में, हरियाणा कांग्रेस में इतना दम नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अकेले मुकाबला कर सके, इसलिए राहुल गांधी जी ने बहुत प्रयास किया कि कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ने जाए, लेकिन ये योजना भी इनकी सफल नहीं हो पाई। इसके साथ साथ ये जो चुनाव है ये स्पष्ट रूप से ज्योति जी ये दिखाता है कि जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार नीतियों के ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। जिस तरह से हमारी अभी जो मैडम है उनको मुझे नाम नहीं पता, पार्टी से शायद उन्होंने जो बात कही थी मैं उनकी बात का सम्मान करता हूं, उन्होंने एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर सरकार को बधाई दी है सरकार बनाने के लिए, लेकिन ये घमंडी कांग्रेस पार्टी के लोग, ये हमारी बहन देवी की इनेलो पार्टियों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूरे चुनाव के दौरान वोट काटू कहकर उनका अपमान करते रहे,
मैं कल भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें हुड्डा साहब ने इनेलो और जेजेपी, इनेलो सबसे पुरानी पार्टी है, जेजेपी एक नई पार्टी है हरियाणा प्रदेश के अंदर, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो उन्होंने कल भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कहकर इनका मजाक उड़ाया कि वोट काटो पार्टियों को, जनता ने वोट नहीं दिया है, जनता सब पार्टियों को वोट देती है जनाब, आपको जनता ने लगातार तीसरी बार ठिकाने लगाया है, लगातार जीत की हैट्रिक कांग्रेस पार्टी ने शर्मनाक रूप से लगाई है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और ये अपने घमंड और अहंकार अपने बड़बोले के कारण लगाई है, जो आपके नेता जाकर जो ढोल पीट रहे थे सब जगह, भ्रष्टाचार करेंगे खुलेआम, अपने अपने को बंदरबांट करेंगे, नौकरियों की पर्ची खर्ची से शुरू करेंगे और मेरिट का सिस्टम बंद करेंगे, अपना अपने परिवार का पेट भरेंगे, तो इनके पेट के ऊपर लात मारने का काम जनता ने किया है कि भ्रष्टाचारियों आपकी दुकान बंद है, आप अपने घर बैठिए, इन लोगों को सबक सीखना चाहिए और सही मायने में जनता के लिए काम करना शुरू करना चाहिए, और जो दूसरी पार्टियां हैं या जो दूसरे नेता हैं उनका अपमान इनको बंद करना चाहिए, क्योंकि इनको ध्यान होना चाहिए कि सही मायने में इनको चिंतन करना चाहिए, हारने के बाद बहाना बनाना शुरू कर देते हैं, कभी चुनाव आयोग को दोष देंगे, कभी ईवीएम को दोष देंगे, अभी नए नए बहाने और निकालेंगे हार के, भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य के अंदर या तो चुनाव हारती है जीतती है, हारने के बावजूद भी आज तक ज्योति मैडम कभी हमने बहाना नहीं बनाया, हम जिम्मेदारी लेते हैं हार की, उसकी समीक्षा करते हैं, हम जीतते हैं तो कभी सुनते नहीं है, हारते हैं तो कभी निराश नहीं होते हैं, इसी तरह से कांग्रेस पार्टी को हार को ठीक तरीके से लेना चाहिए, कभी चुनाव आयोग देरी से आंकड़े कर रहा है, अरे भैया 5 बज रहे हैं अभी, 50 सीटें हमारी दिखा रही है, और अगर आपको 12 बजे का इंतजार करेंगे चुनाव आयोग के आंकड़े, तो ये चीजों का इनको ध्यान रखना चाहिए, आपकी कांग्रेस पार्टी हारी है तो अपनी गलतियों के कारण हारी है, और भारतीय जनता पार्टी अगर जीती है तो अपनी ईमानदार नीतियों के कारण जीती है, माननीय मुख्यमंत्री नायर सैनी जी जिस तरह से सहज है, सरल है, विनम्र है, कोई व्यक्ति कभी उनसे मिल सकता है, अपनी समस्या उनको बता सकता है, 2 महीने से कम समय के अंदर इस तरह से उन्होंने हरियाणा के विकास के लिए काम किए, जहां बोली लगती थी कांग्रेस शासनकाल में नौकरियों की ईमानदारी से नौकरी हमने देनी शुरू की, जहां ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अधिकारी चंडीगढ़ पड़े रहते थे, ऑनलाइन ट्रांसफर पोस्टिंग हमने शुरू कर दी, सबको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ऑनलाइन ट्रांसफर हो, लेकिन इस बार कांग्रेस दो प्रमुख मुद्दों को उठा रही है विजेंद्र जी, एक तो वो कह रही है कि नायब सिंह सैनी ने कह दिया था कि हम हर तरीके से जीत हासिल करेंगे, इस तरीके की वो बात वो कर रहे हैं, दूसरी बात तो वो ये कह रहे हैं कि भाई देर से डेटा अपडेट हुआ, और अनिल विज साहब पर भी वो बात कर रहे हैं कि आप हमारे पार्टी की बात करते हैं कि भाई मुख्यमंत्री की रेस में लड़ रहे हैं तो आपकी पार्टी में क्या हो रहा है वो भी देखिए कह रहे हैं वो। ज्योति जी देखिए, हमारी पार्टी में कभी मुख्यमंत्री को लेकर के लड़ाई नहीं होती है, लेकिन मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी पोस्ट के ऊपर दावा हर व्यक्ति कर सकता है। आज मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं भी ये कह सकता हूं कि मैं प्रदेश का हरियाणा भाजपा का मुख्यमंत्री कभी बन सकता हूं, ये मेरा अधिकार है, लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी, इस पार्टी के अंदर कोई भी अपनी इच्छा जता सकता है। तो अनिल विज जी तो हमारे 6 बार के जीते हुए विधायक हैं, वो भी कह सकते हैं मैं सीनियर हूं, मैं विधायक बन सकता हूं, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, आपस में एक दूसरे को कांट छांट नहीं होती है हमारी पार्टी के अंदर, कोई भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता सकता है, हमारा पार्टी नेतृत्व तय करेगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और इस चुनाव के अंदर तो नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री के चेहरा बना करके हमने चुनाव लड़ा है, तो निश्चित रूप से ये नायब सैनी जी के नेतृत्व की जीत है, माननीय मोदी जी की जीत है, ईमानदार नीतियों की जीत है। हमारे यहाँ पे देखिए मत अलग अलग हो सकते हैं, मतभेद हमारे यहाँ पे हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते, हमारे मत अलग अलग हो सकते हैं, हमारा मन एक होता है। देवेंद्र जी से, देवेंद्र जी मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, संगठन की कमी है, संगठन को मजबूत कीजिए, ये राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं, और ऐसे ही इनेलो भी आपको तंज कस रहे हैं कि आप किसी को साथ लेकर के नहीं लड़ना चाह रहे थे, अकेले हुड्डा जी जो थे वो अकेले सब कुछ करना चाहते थे, टिकट बंटवारे में कमी हुई, तो तमाम तरीके की कमियां निकाल रहे हैं ये लोग आपकी पार्टी में। संसार की सबसे अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को क्लेम करती है, क्या हुआ कट्टर जी को क्यों हटाना पड़ा आपको, नंबर एक, नंबर दो के बाद जितने क्यों रूस करके बैठ गए थे मुझे मुख्यमंत्री बनना था भाई, ये देखो जब तक मुझे बोलने तो अभी इन्होंने पूरा लेक्चर दिया है, आप इनसे बुलवा लो, आप तो चलो जीत रहे हैं इनकी सीट आ रही है तो खुद जोर से बोल लेने दो, आप लोकतंत्र है, लोकतंत्र मान लिया उन्होंने कि आप जीत रहे हैं तो जीत रहे हो आप क्लेम कर रहे हो ना, आप क्लेम कर रहे हो ना कि हम जीत रहे हैं, अगर आप जीत रहे तो खुद गवर्नमेंट के लिए मैंने आपकी बात सुनी है, बड़ी संयम से सुनी है सर, आपकी एक बात ही मैंने नहीं कहती, मैंने आपकी सारी बात संयम से सुनी है, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं तो बराबर रखो आप चुप रहो, मैंने आपकी बात सारी सुनी सर, संसार की सबसे अनुशासित पार्टी जो अपने आप को दावा करती है उस पार्टी के मैं आपको बता रहा हूं, रामलाल शर्मा जी के साथ क्या राजनीति खेली गई, अभिमन्यु जी के साथ क्या राजनीति खेली गई, अनिल विज जी के साथ क्या राजनीति खेली गई, दमकर जी के साथ क्या राजनीति खेली गई, बताइएगा हर जनता जानती है प्रदेश की कैसे उनको ठिकाने लगाने का काम किया,
कैसे आम वर्कर को हटा करके जो इम्पोर्ट किए गए दूसरे पार्टी उस नेता उसको उनको आपने टिकटें दी एन मौके पर अक्टूबर दिन आपकी को आपके पार्टी को छोड़ा और आप दलितों के हथियार बनने की बात कर रहे। और जहां तक मेरी बहन जी ने अनमोल जी ने कहा था कि उड्डा साहब कांग्रेस पार्टी है इंकार वाली पार्टी है, बहन जी ठीक है आप जो वक्तव्य आप दे रही थी उससे साफ लग रहा है कि आप किसकी तरफ बोल रही है। भाई 10 साल आप विपक्ष में लड़ाई लड़ी आपने बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी ने 10 साल भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के तौर मुकाबला किया और आज जब इलाहाबाद जो आपकी पार्टी के सुप्रीमो ने उनको कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने हरा दिया तो आपका गुस्सा ये जायज है स्वाभाविक है। हम इसको बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि आज आपके नेताजी की हार हुई है और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के जरिए हुई है, इससे थोड़ा सा जरूर आप मायूस होंगी इनलो पार्टी क्योंकि सुप्रीमो नेता वही है, उसके लिए हम जरूर जो है आपका जो गुस्सा है उसको बिल्कुल स्वीकार करते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने इनलो जो आरोप लगाए हैं कि ये तो इसके अंदर तो जो है दलितों का अपमान है, ये जो पार्टी है ये पार्टी तो जो है ना घरों में बटी हुई है, दले आपके अशोक तंवर जी को भी आपने बहला फुसला के अपने पास दोबारा बुला लिया और जो इनके पार्टी में गए वो मेरा काउंटर सवाल है जो कभी आज भी एनपी की आप टिकट एक बार दे तो वही थे जो कांग्रेस पार्टी के थे उनको उनको आप क्या बोलोगे, वो अपनी स्वेच्छा से गए थे। इनके पार्टी में लोकतंत्र बाकी के पार्टी में तो लोकतंत्र नहीं है। अगर शैलजा की आवाज उठाती है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो जो तेजी अगर आज शैलजा की आवाज उठाती है या शैलजा की ख्वाहिश जाहिर करती है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो वो तो लोकतंत्र नहीं है इनकी नजर में। लेकिन अगर मैं आपके बात अपनी बात के साथ इसको भी इंक्लूड करके बताइएगा, आपने कहा कि शैलजा जी कहती हैं तो वो ठीक नहीं है इनकी तरफ से लेकिन अनिल विज जी कहते हैं तो उनकी तरफ से ठीक है, तो इस तरीके की बात जो आप कह रहे हैं आपकी पार्टी से जो लोगों को इन्होंने बुलाया, लेकिन यही तो बात हो रही है कि संगठन की कमी है, संगठन एकजुट नहीं है, अगर वो बुला रहे तो चले कैसे जा रहे हैं लोग, अगर पार्टी में इतनी एकजुटता है चाहे फिर बीजेपी बुलाए आम आदमी पार्टी बुलाए क्यों जा रहे हैं नेता, इसका मतलब कि नेताओं की या तो सुनी नहीं जा रही है तो कुछ तो बात है, यही तो वो कह रहे हैं दीपक जी भी यही कह रहे हैं। जो तुझे भारतीय जनता पार्टी से कितने लोग कांग्रेस पार्टी में आए इसी कंपेनिंग के दौरान, एक पार्टी का दूसरी पार्टी में जाना चुनाव के दौरान ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इस पर आप पार्टी को विचारधारा से जोड़कर देख लेते हैं बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लोकतांत्रिक पार्टी है, छोटे छोटे कार्यकर्ता का ध्यान रखती है, हर एक आदमी को अपना अधिकार है कांग्रेस पार्टी के अंदर आवाज उठाने का, बीजेपी की तरह नहीं है। आज कोई दलित है बीजेपी के अंदर जो ये क्लेम कर सके दावा कर सके मुझे मुख्यमंत्री बनना या ख्वाहिश जारी कर सके शैलजा जी ने की, बताओ मेरे साथी प्रस्ता कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा कौन सा दलित नेता है जो ये कह सके कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मना दो बोलो आप बताओ किस दलित नेता ने कहा भारतीय जनता पार्टी में मुझे मुख्यमंत्री बनना है, शैलजा जी कहती है पहले अशोक तंवर जी भी कहते थे कांग्रेस पार्टी में से लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी में गए उसे तो देखे आप, मैं डंके के तौर पर कहता हूं कि मेरे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी में कौन सा ऐसा दलित नेता है जो दावा कर सकता हो कि मुझे मुख्यमंत्री बनना, मैंने आपको छोड़ दिया तो जी पूछ लो भाई साहब जी आपकी बात को, लेकिन अनु जी एक रिएक्शन दे रही है उसके बाद मैं फिर पूछूंगी विजेंद्र जी आपसे, अनु जी कुछ रिएक्शन आप देना चाह रहे हैं। जी ज्योति जी हालांकि इनका हो गया क्या? हाँ हो गया देवेंद्र जी, फिर लौटूंगी मैं। देवेंद्र जी ने कहा कि अनु जी आज मायूस होंगी, मायूस होने वाले दिन तो हम पैदा ही नहीं हुए देवेंद्र जी, हम लोकदली हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष हार गए, हमने जिक्र भी नहीं किया इस करके कि हारे मतलब होता है राजनीति है हार जीत होती है, लेकिन ये जो कांग्रेसियों का मैं भी जिक्र कर रही थी ना ये अहंकार ये जो टॉन्टिंग की इनकी लैंग्वेज रही है टीवी डिबेट से लेके स्टेज तक जनसभाओं तक ये जो टॉन्टिंग वाली लैंग्वेज है इसी में सत्यानाश किया है देवेंद्र जी कांग्रेस का, ये भाषा आपको सुधारनी होगी। आपने जिक्र किया इलाहाबाद का तो मैं बता दूं 4-5 बार से हमारे विधायक वहां बन रहे थे अभय सिंह जी और एंटी कम्युनिटी हो जाती है इतने लंबे टाइम में, कोई बात नहीं हम जनमत स्वीकार करते हैं, आपका जो कांग्रेस का अभी बना है एमएलए उसको 5 साल में देख लेगी जनता, दोबारा हमें ही बनना है, हम रानिया के अंदर हम जीते हैं और अभी जैसा आपने कहा
काउंटिंग चल रही है, तो उम्मीद है एक दो सीटों पे और फाइट में हम चल रहे हैं। हाँ, बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पे हमारा प्रदर्शन बहुत सुधरा है, तो हाँ बिल्कुल इसमें कोई जराय नहीं है कि हमें बहुत सुधार करना है, लेकिन हमने बहुत कुछ अचीव भी किया है। और सबसे ज्यादा तो मैं कहूंगी कि हमने समझ अचीव करी है, हम ये जो नतीजा है उससे सीखेंगे, समझेंगे, अपनी कमियों को सुधारेंगे, अहंकार नहीं दिखाएंगे। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि कांग्रेस को ये समझ में आया या नहीं आया कि एक व्यक्ति को जो आपने हरियाणा के अंदर छोड़ रखा था कि ये ही शक्तिमान है, वो उस शक्तिमान को आज महसूस हो रहा है कि एरोगेंस का मतलब क्या होता है, ये जो अहंकार वो दिखा रहे थे बाप बेटा वो देखिए। मैं यहाँ ये भी कहूंगी, इन्होंने बहुत परसेप्शन बनाया हमारे लिए कि तो वोट काटू है, हालांकि हमें उसका नुकसान भी हुआ, मानती हूँ मैं, क्योंकि जब एक जनरल परसेप्शन मीडिया को यूज करके बना दिया जाता है कि ये तो वोट काटू है, उसका हमें नुकसान हुआ, उसके बावजूद हमारा तो प्रदर्शन सुधरा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि राजनीतिक पार्टी बनती वोट लेने के लिए है या किसी और काम के लिए बनती है? पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है वोट मांगना, हम तो हाथ जोड़ के वोट मांग रहे थे हरियाणा की जनता से और आगे भी मांगेंगे। वोट काटू का क्या मतलब होता है? जो जो नागरिक हैं, जो अलग अलग पार्टियों को वोट दे रहे हैं, आप उनका सम्मान नहीं करते, ये क्या तरीका है? अगर आपको हम कुछ लगते ही नहीं इनेलो, तो उसके लिए ये कभी तो कह देते हैं कि इनेलो तो कुछ है ही नहीं, तो आपको चिंता क्यों होती है कि ये वोट काट देंगे? जब आप ये रवैया अपनाते हो तभी हम कहते हैं कि हाँ वोट काटेंगे और आप लोगों का सत्यानाश करेंगे कांग्रेस का। निश्चित तौर पर रानिया एक ऐसी सीट है जहां से अर्जुन चौटाला की जीत होना एक बड़ी बात है, क्योंकि यहीं से रणजीत चौटाला भी मैदान में थे और कहीं ना कहीं वो भी काफी जाने माने नेता है, दिग्गज नेता है, तो ये जीत मामूली जीत तो नहीं है ये माना जा सकता। लेकिन हाँ, एलनाबाद की जो आपने बात की उस चीज को भी नकारा नहीं जा सकता है। मैं लौटूंगी अनु जी आपके पास, लेकिन विजेंद्र जी आप एक छोटा सा रिएक्शन देंगे, आप देना चाह रहे थे बीच में, उसके बाद मैं दीपक जी एक बात जाऊंगी। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा था कि चुनाव से लगभग 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के जो नेता है उनको आभास लग गया था कि कांग्रेस रूपी जो डूबता हुआ जहाज है ये डूबने वाला है, इसलिए कांग्रेस के इस जहाज से निकल के पिछले 6 महीने में लगभग 100 से बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, वो आगे थे। और जो दलित की बात मेरे साथी प्रवक्ता कर रहे थे, इनको ध्यान होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, देश के सम्मानित जो सबसे बड़ी पोस्ट है, जो सबसे बड़ा दायित्व है, पद है, राष्ट्रपति के रूप में श्री रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से आते हैं, उनको देश का सम्मानित महामहिम राष्ट्रपति बनाया, उपराष्ट्रपति बनाया, और इसके साथ साथ अनेक राज्यों के अंदर राज्यपाल बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे कटारिया साहब थे उनको सम्मानित हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने ही दलित समाज को सच्चा सम्मान देने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम अगर किसी पार्टी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं आपको एक बात और बता दूं मैडम, जो ये कह रहे थे कि दलित कोई दावा कर सकता है, हमारे यहाँ पे किसी को भी दावा करने की जरूरत नहीं है देवेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बूथ का कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, किसी हमारी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, एक बूथ का कार्यकर्ता भी। हम ये नहीं देखते कि वो कौन से समाज से वर्ग से आता है, चाहे वो दलित का बेटा है, चाहे वो स्वर्ण का बेटा है, जो काम करेगा पार्टी में आगे बढ़ेगा। युवाओं की पार्टी है, गांव गरीब किसान मजदूर की पार्टी है, दलित की पार्टी है, समाज के हर वर्ग को, सत्यवादी को साथ लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। तो हमारे यहाँ पे आपकी तरह तलवारें निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इस तरह का घमासान और युद्ध करने की जरूरत नहीं है, दावा करने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ज्यादा दावा करता है उसका काम कभी इस पार्टी में नहीं होता है, जो दावा नहीं करता है दायित्व उसी को मिलता है। कभी भी नायब सैनी जी ने दायित्व नहीं किया, दावा नहीं किया मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, और नायब सैनी जी पिछड़ा समाज से आते हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है, दम है, तो पिछड़ा समाज से मुख्यमंत्री बनाकर दिखाइए हरियाणा प्रदेश के अंदर। हुड्डा साहब के अलावा किसी और का अगर नाम लेंगे तो आप अगले दिन डिबेट में नहीं बैठ पाएंगे, आपकी पार्टियों के अंदर तो प्रवक्ता भी धड़े में बटे हुए हैं। कौन से ग्रुप का प्रवक्ता होगा विजेंद्र जी? पहले जीतना होगा, उसके बाद से फिर कुछ कहा जाएगा। मैं लूंगी देवेंद्र जी आपका रिएक्शन इस पर, लेकिन उससे पहले मैं एक बार दीपक जी के पास जाना चाहूंगी, उसके बाद आप ही के पास आऊंगी। आप अपना पॉइंट नोट रखिएगा, मैं लौटूंगी देवेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। दीपक जी,
देखिए मैं दो चीजें आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से एक तरीके से स्पष्ट ही अब हो गया कि बीजेपी तीसरी बार आ रही है और हरियाणा में अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। इससे पहले दो बार लगातार किसी पार्टी के पद में आने का इतिहास बना, दो बार लगातार, उसके बाद से तीसरी बार अब बीजेपी का सत्ता में आना। और सबसे बड़ी बात यह है कि और एक चीज और कही जा रही थी कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार होती है उसी की हरियाणा में सरकार बनती है कई बार उसे, तो ये दोनों चीजें एक तरीके से सही साबित हुई हैं। तो दो कौन से बड़े फैक्टर आप मानते हैं कि बीजेपी इस बार तीसरी बार भी हरियाणा में जीत हासिल करने के लिए पहुंची या करीब है जीत के? जो भाजपा के विरोधी थे उन्होंने भी ये कहा कि भाई मुख्य जब इंडिविजुअल भी किसी व्यक्ति की ऐसे प्रशंसा होने लग जाए तो इसका मन ये इसका मतलब ये होता है कि आम जनमानस के अंदर ऐसी भावना है कि हाँ व्यक्ति हमारा ठीक है, जो हमारी सबसे बड़ी कुर्सी पर प्रदेश की बैठा है वो व्यक्ति ठीक है। तो लोगों का आधा मन, जब विरोधियों का आधा मन परिवर्तित हो चुका होता है तो उसके बाद परिवर्तन में ज्यादा समय नहीं लगता। बीजेपी ने पिछली बार मतलब आज तक का सबसे बढ़िया अभी तक का प्रदर्शन रहा है, 47 सीट थी मेरे ख्याल से 2014 में और अब 49-50 के आसपास बीजेपी फ्लोट कर रही है, तो ये सच में काबिले तारीफ इन्होंने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस को अपना देखना पड़ेगा कि वो किन क्या कारण रहे कि जिनकी वजह से वो नहीं अच्छा प्रदर्शन कर पाए, नहीं सरकार बना पाए। एंटी इनकम्बेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर था, कुछ ऐसे बयान भी आए जिनकी वजह से कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था, बड़े बड़े नेताओं के मुंह से कुछ कुछ बातें निकली भाजपा के, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। तो उठाने की स्थिति में इसलिए नहीं थे कि पिछले 10 साल से संगठन ही नहीं है। जब आपके पास संगठन नहीं है, जब आपके पास जिलाध्यक्ष नहीं है, जब आपके पास स्टेट बॉडीज में काम करने के लिए लोग नहीं है, क्यों नहीं है? और उसका रीजन भी देखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा कि भाई मेरे अलावा किसी और के हाथ में इस पार्टी की बागडोर नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की तो बहुत सारी चीजें रही। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वो कांग्रेस को अपनी गलतियों के लिए वकील बनना जिस दिन छोड़ देंगे ना, उस दिन को रियलिटी का संज्ञान हो जाएगा। क्या ये जो काउंटिंग हो रही है ये कोई अमेरिका में या स्विट्जरलैंड में कहीं हो रही है क्या? नहीं हो रही। जहां जहां काउंटिंग हो रही है इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप आरोप लगा रहे, डेटा स्लो मिल रहा है, डेटा स्लो मिल रहा है, तो काउंटिंग सेंटर्स पे कांग्रेस के कैंडिडेट्स बैठे नहीं है क्या? बैठे हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट के सामने काउंटिंग हो रही है, हर स्टेज के ऊपर साइन करवाया जा रहे हैं, उसके पश्चात भी आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं तो कोई तो गरीब अपनी बनानी पड़ेगी। और इस प्रकार से आप लोकतंत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी प्रकार से, किसी भी वर्ग के ऊपर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इस प्रकार से सवाल नहीं उठा सकते कि ये तो बिल्कुल ही बिका हुआ है या ऐसे। सरकारी व्यक्ति को पता होता है कि मुझे अपना काम अपनी निष्ठा के साथ करना है, फिर सरकार किसी की भी, उनको पता होता है पार्टी आती रहेगी, सरकार किसी की आज इस पार्टी के कल उस पार्टी के, तो वो अपनी सीमाओं में रहकर ही काम करते हैं, कोई इस प्रकार से कुछ ऐसा नहीं होता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इंडियन नेशनल लोकदल ने एक नई मुहिम चला दी थी कि भाजपा और कांग्रेस अंदर से मिले हुए, तो इन लोगों हरियाणा के लोगों को ये हजम नहीं कर पाए कि ऐसे कैसे हो सकता कि भाजपा और कांग्रेस के अंदर मिले। हाँ, उनके पास उनके अलग तर्क है इस बात को साबित करने के लिए, भाजपा कांग्रेस मिले हुए, चाहे वो अजय माकन जी का चुनाव हो, चाहे दीपेंद्र जी का चुनाव हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनके पिछले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नरेंद्र सिंह राठी जी भी जोर शोर से आवाज उठाते हैं भाजपा कांग्रेस एक ही है। तो और अभय सिंह चौटाला जी कहते रहे भाजपा कांग्रेस, हाँ मैं और अनुसूरा जी मैं कहना चाहूंगा हरियाणा के अनेकों लोगों की वजह से के तरफ से कहना चाहूंगा, मेरे पास 500 के आसपास आज लोग बैठ के गए हरियाणा के, उन सबने कहा कि हमें अभय सिंह चौटाला जी की याद है कि जिस प्रकार से वो धाड़ते थे विधानसभा के अंदर, जिस प्रकार से सवाल उठाते थे, हम उनको 5 साल मिस करेंगे। इस अभय सिंह चौटाला जी के हारने की तकलीफ हर किसी व्यक्ति को, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, ये बड़ी बात है। आप कुछ कहना चाह रहे थे देवेंद्र जी, अब अपना रिएक्शन दीजिए। नहीं, मैं तो उनको यही कहना चाह रहा था कि मैंने इनसे सिर्फ ये पूछा था कि आपकी पार्टी की मैंने जो है राष्ट्रपति बदलित रहे हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट बदलित रहे हैं, मैंने सरपंच से ये पूछा था कि आपकी पार्टी के अंदर क्या कोई ऐसा नेता है जो अपनी इच्छा प्रकट कर सके कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने दावा या धड़ा या और कुछ नहीं कहा था, मैं सिर्फ इतना बोला था कि आपके पास भाई चप्पली देख एक मिनट के लिए, मैंने सिर्फ इतना बोला फाइनल में आप इस मैंने एक बात सुन लीजिए, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि आपकी पार्टी के अंदर कोई ऐसा दलित नेता है जो इच्छा जाहिर कर सकता हो, दावा नहीं बोला मैंने, इच्छा जाहिर कर सकता हो तो बता दे मुझे, ये तो इनकी बात है। और दूसरी बात जो सर ने बोली है,
कि भाई आप इलेक्शन कमीशन को आरोप लगाते हैं। आज 10 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा सेंट्रल में भी और यहाँ भी, इस तरह इन्होंने संस्थाओं का मिसयूज किया ज्योति जी, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, कितनी संस्थाएं हैं जिनका मिसयूज किया है। और मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर ही नहीं, एक बहुत बड़ी मुहिम चली हुई है लोकसभा के इलेक्शन के अंदर भी, कैसे इन्होंने संसाधनों का दुरुपयोग किया सरकारी संसाधनों की। इसमें तो दो राय नहीं है, प्रश्न चिन्ह इलेक्शन कमीशन में आज थोड़ी लगे हुए हैं, ये तो काफी समय से लगे हुए हैं, और जब ये पक्ष में थे तब भी ये लगाते थे, इन्होंने लगाया था क्या आरोप? लेकिन मैं नहीं कहता कि अब लेकिन लेकिन अब आप ये देखो कि अब पांच बच चुके हैं, अब पांच बच चुके हैं, पांच में से लोगों को पता क्यों नहीं होता है, पांच बच चुके हैं, सिर्फ 59 सीटें डिक्लेयर हुई ऑफिशियली, ऑफिशियली सिर्फ 59 से डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन की मैं साथ देख रहा हूँ। चलिए अब इस पर मेरे मैं टिप्पणी करने के लिए समय भी नहीं दे सकती। विजेंद्र जी छोटा सा रिएक्शन दीजिए, बचेगा तो समय मैं फिर दीपक जी आपके पास आऊंगी। देखिए सबसे पहले आपके माध्यम से मैं चुनाव आयोग का सेना के जो बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, हमारी पुलिस है, हमारे शिक्षक अध्यापक है, हमारे सभी कर्मचारियों का सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए इन चुनावों को बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, जनता का धन्यवाद प्रकट करता हूं। और कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं कि जो अनर्गल बातचीत आप करते हैं, आपकी बोलती आज जनता ने बंद कर दी, आप कम से कम सद्बुद्धि परमात्मा आपको दे, विपक्ष में रह के काम करिए, आपकी बोलती जनता ने बंद कर दी है, आपकी दुकान जनता ने बंद कर दी है, अब थोड़ा सा चिंतन करिए, समझिए, आरोप मत लगाइए, बहाने मत खोजिए, ईवीएम दोषी है, चुनाव आयोग दोषी है, सिवाय कांग्रेस के हार के लिए कोई दोषी नहीं है, ना आपका संगठन है, ना आपके पास नेता है, ना आपके पास नीति है, भ्रष्टाचार की नियत है, आपकी परिवारवाद में अखंड डूबे हुए लोग हैं, तो आपको अपने ऊपर चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ये देखिए कि आने वाले समय के अंदर क्या अधिकार क्या हक है आपको सत्ता में आने का, जब आपके नेताओं की इस तरह से मानसिकता है। सभी को सोचने की जरूरत है, चिंतन मंथन की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में, समय इतनी ही इजाजत देता है। तो मतगणना जो है सुबह से ही जारी थी, बीजेपी कार्यालय में खुशी का एक तरीके से जश्न मनने लगा है, लगभग 50 के तकरीबन सीटों में अभी बीजेपी आगे दिख रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि एक तरीके से इसको फाइनल भी माना जा सकता है, क्योंकि मुश्किल से एक डेढ़ घंटे में तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके के आंकड़े अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उससे यह साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आने वाली है हरियाणा की, और हैट्रिक बीजेपी की एक तरफ से हरियाणा में लगने को तैयार है। तो सूबे की सरकार देख रहे थे आप, फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।